राहुल गांधी द्वारा चलाई गई भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली थी, परंतु जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा परमिशन ना मिलने पर उन्हें यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ा। काफिला पठानकोट एयरबेस से वापस लौटेगा। इस वक्त टुडे हेडलाइन से संवाददाता रंजना सैनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत कर देखते हैं कि वहां का माहौल इस वक्त कैसा है। जी रंजना जी नमस्कार, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आप पठानकोट एयरबेस पर खड़ी हैं। दर्शकों को बताइए कि वहां पर प्रशासन द्वारा क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। जी जी मुस्कान जी, यहाँ पर प्रबंध तो पुख्ता किए गए हैं। प्रशासन यहाँ पर पूरा मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है और साथ ही यहाँ पर रोड जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। जी रंजना जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, परंतु लोगों की मिली रिपोर्ट्स के कारण हमें पता लग रहा है कि इस वक्त जो काफिला है वो फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा, तो फिर जो रोड्स थे वो डाइवर्ज क्यों किए गए हैं। जी मुस्कान जी बिल्कुल, रोड जो है वो डाइवर्ज किया गया था क्योंकि उनका जो काफिला है वो पहले फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाला था, परंतु वो सीधा अब पठानकोट नहीं रुकेंगे, सीधा दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, जिसके कारण जो है वो सारा काफिला फ्लाईओवर के ऊपर से निकलेगा तथा रोड डाइवर्जन जो है वो इसीलिए की गई थी कि वो शायद नीचे से गुजर सकते थे। जी बिल्कुल ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और बात जो है वो सामने आई है कि पिछले 3 दिनों से जो शहर की पुलिस जो तैनात की गई थी वो अब शहर में नहीं देखने को मिल रही है, उसका क्या कारण है आप हमें जरा बताइए। बिल्कुल मुस्कान जी, जो पुलिस है वो पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के चलते जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हो गई है, जिसके चलते पूरे पठानकोट की जो पुलिस है वो वहीं पर मौजूद है उनके काफिला आने के लिए तथा अब जब दिल्ली के लिए काफिला रवाना होने वाला है उसी के चलते सारी पुलिस जो है वो हाईवे पर मौजूद है और उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ी है। जी जी बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि कोई भी नेता अपनी रैली या दौरा यूं ही निकालेगा तो इसका जो भुगतान है वो आम जनता को हमेशा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम, ऐसा ही लगता है कि अगर नेता जो है वो ऐसे ही रैली निकालते रहेंगे तो जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात होते रहेंगे उनकी सुरक्षा के लिए, तो लोगों को उनका भुगतान है वो ही लोग ही करेंगे क्योंकि लोगों को ही परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी के आने पर जो है वो सारी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए लगी है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अब ये आप बताइए कि काफिला यहाँ पर कब तक पहुँचेगा। जी मैम बिल्कुल, जो काफिला है वो थोड़ी देर में ही यहाँ से रवाना होने वाला है दिल्ली के लिए, रिपोर्ट्स की माने तो वह कुछ कदमों की दूरी पर ही है, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर से जुड़ती हूँ। इसके साथ जैसे आप लोगों ने देखा हमने अपने संवाददाता रंजना सैनी से बातचीत की और उन्होंने हमें वहाँ का माहौल बताया। इसी के साथ आप जुड़े रहिए टुडे हेडलाइंस से और आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, देखते रहिए टुडे हेडलाइंस। ममून रोड पठानकोट, कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540061113।